नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तारा मधु की रसोई से। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक कार केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि उनसे केक बन नहीं पाता या किन्हीं वजहों से वो लोग केक नहीं बना पाते। तो आप मेरी इस टेक्निक को फॉलो कीजिए और अपनी मनपसंद शेप का केक बना लीजिए। मैं आज कार शेप के केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर मेरी ये टेक्निक या यूं कहें कि जुगाड़ आपको पसंद आए तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, मैंने बहुत सी टिप्स और ट्रिक्स भी बताई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं, 10 बड़े स्लाइस और 4 छोटे स्लाइस लिए हैं। अब सबसे पहले मैं इन ब्रेड स्लाइसेस के कॉर्नर्स को कट कर दूंगी, क्योंकि ये केक में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो लीजिए, मैंने सारे कॉर्नर्स कट कर दिए। अब मैं एक टर्न टेबल लूंगी, उसके ऊपर केक का कार्डबोर्ड रखूंगी और उसके बीच में थोड़ी सी क्रीम लगा दूंगी ताकि मेरा केक फिसले नहीं। अब मैं इसके ऊपर 3 ब्रेड के स्लाइसेस रखूंगी, बड़े वाले। अब मैं इसके ऊपर शुगर का सिरप लगाऊंगी। इसको मैंने चीनी को पानी में घोलकर तैयार किया है और उसमें कुछ बूंदें वनीला फ्लेवर की डाल दी हैं। इससे हमारी ब्रेड मॉइस्ट हो जाएगी और थोड़ी नरम हो जाएगी और उसमें फ्लेवर भी अच्छा सा आ जाएगा। इसके बाद मैं इसके ऊपर क्रीम लगाऊंगी, व्हिप्ड क्रीम, और इसको अच्छे से कोट कर लूंगी। ये व्हिप्ड क्रीम की रेसिपी भी मैंने अपने एक वीडियो में शेयर की है, आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। इस क्रीम को अच्छे से हमें कोट कर देना है। लीजिए, मेरा एक कोट तैयार हो गया। अब मैं इसके ऊपर दोबारा वही ब्रेड के स्लाइसेस रखूंगी, उसी शेप के जो मैंने पहले लिए थे, और इसके ऊपर भी शुगर सिरप लगाऊंगी। और ऊपर से क्रीम की एक लेयर का कोट दे दूंगी, आप चाहे जितनी मोटी क्रीम की लेयर दे सकते हैं, उससे आपकी कार की शेप में थोड़ी हाइट आ जाएगी। एक बार और 3 ब्रेड के स्लाइसेस रखूंगी। मैं यहाँ 3 लेयर का ही केक बना रही हूँ, आप चाहे तो 4 लेयर का केक भी बना सकते हैं, उससे आपकी कार की हाइट और बढ़ जाएगी, पर मैं 3 लेयर का ही बना रही हूँ। इसके ऊपर भी शुगर सिरप लगाऊंगी और फिर से व्हिप्ड क्रीम लगाऊंगी और अच्छे से इसको कोट करके कवर कर लूंगी। अब मैं नेक्स्ट ब्रेड का स्लाइस लूंगी उसी साइज का और उसको सिर्फ मिडिल के पार्ट में रखूंगी, क्योंकि अब मुझे कार के बीच के पार्ट को ऊंचा करना है। वापस इसके ऊपर शुगर सिरप लगाऊंगी और क्रीम से कोट कर दूंगी। फिर दोबारा एक ब्रेड रखूंगी, इस बार ब्रेड का साइज मैंने छोटा लिया है। फिर शुगर सिरप लगाऊंगी और लेयर क्रीम की, और लास्ट एक और ब्रेड स्लाइस छोटे वाला, शुगर सिरप और क्रीम से इसको भी कोट कर दूंगी। मैंने इस क्रीम को लगाने के लिए एक आयरन का स्केल यूज किया है, इसको मैंने अच्छे से धो करके वॉश करके इसको क्लीन कर लिया है। अब एक नाइफ से मैं इस कार की शेप दूंगी, जो भी पार्ट इधर उधर एक्स्ट्रा है उसको कट कर दूंगी। मैंने एक ब्रेड के स्लाइस को 2 भागों में पार्ट किया है और उसको पीछे के हिस्से में लगाकर शुगर सिरप और क्रीम से कोट करके रेडी किया है, क्योंकि कार की पीछे का पार्ट थोड़ा उठा हुआ था होता है, उसी को मैंने कोशिश की है यहाँ देने की, और उसके ऊपर भी क्रीम का कोट लगा दूंगी। अब मैं आगे के हिस्से को नाइफ की हेल्प से थोड़ा सा कट कर दूंगी कर्व शेप में, क्योंकि कार का आगे का हिस्सा थोड़ा आगे का गोल होता है जहां पर लाइट होती है। और फाइनली क्रीम लेकर इस पूरी कार को स्मूथ एकदम एक लेयर का कोट कर दूंगी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। ये देखिए, हमारी कार की शेप कुछ इस तरीके से अब लग रही है। अब मैं एक ढक्कन की मदद से कार के पहिए वाली जगह पर निशान दे दूंगी और इस जगह को छोड़कर
हमें अब क्रीमिंग करनी है। मैंने यहाँ पिंक कलर की क्रीम को एक स्टार नोजल में भर लिया है पाइपिंग बैग में, और इससे मैं अब इसको स्टार नोजल से इसको डेकोरेट कर रही हूँ। पर मैं पहिए वाली जगह पर और लाइट वाली जगह पर इस क्रीम को नहीं लगाऊंगी, वहां पर मैं व्हाइट क्रीम लगाऊंगी। बाकी सभी जगहों पर मैं इसी स्टार नोजल से इसको फिल कर दूंगी अच्छे से। मैं यहाँ मैकक्वीन कार की शेप का केक बना रही हूँ, तो डिजाइन लगभग उसी से मिलता जुलता है। अब मैं बीच के ऊपर के पार्ट को भी फिल कर दूंगी, उसकी भी बाउंड्री बना दूंगी, लेकिन जहां पर मिरर होते हैं वहां पर मैं इस क्रीम से फिल नहीं करूंगी, वहां पर मैं व्हाइट क्रीम लगाऊंगी और बची हुई बाकी की बॉडी में मैं इसी क्रीम से इसको फिल कर दूंगी। इसी तरीके से दूसरी तरफ भी करूंगी मैं। अब मैं कार के आगे के पार्ट को भरूंगी। यहाँ पर मैंने थोड़े से यू शेप दी है और बीच में यू के व्हाइट क्रीम भरूंगी ताकि वो एक स्माइलिंग कार लगे। अब मैं बाकी के हिस्सों में इसी क्रीम से फिर से फिल कर दूंगी आगे के भाग में। इसी तरीके से मैं पीछे भी कर दूंगी और पीछे का हिस्सा भी पूरा इसी क्रीम से फिल कर दूंगी। अब मैं कार के अगले हिस्से को भर रही हूं। बहुत ध्यान से कीजिएगा क्योंकि जरा भी प्रेशर ज्यादा और कम देने से ये नोजल से क्रीम ठीक से नहीं निकलेगी, तो आप बिल्कुल पेशेंस और इत्मीनान के साथ इस केक को बनाइए। ये लीजिए, मेरा आगे का पार्ट भी फिल हो चुका है और अब मैं पीछे के हिस्से को भी बचे हुए को पूरा फिल कर दूंगी। अब मैं केक के सबसे ऊपरी भाग को भी इसी क्रीम से फिल कर दूंगी। अब हमारी ये रेड कलर की क्रीम का काम एकदम खत्म हो चुका है। अब मैं ओरियो बिस्किट लेकर पहिए की जगह पर ऐसे लगा दूंगी दोनों तरफ। अब मैं जो बचे हुए व्हाइट हिस्से को मैंने छोड़ा है वहां पर व्हाइट क्रीम के इसी स्टार नोजल से इसको फिल कर दूंगी ताकि ये कार और ब्यूटीफुल लगे और ये और एनहेंस होके हमें दिखे। जहां पर हमने व्हाइट छोड़ा था, जहां पर हमने रेड कलर नहीं किया था, वहां पर हमें इस व्हाइट क्रीम को फिल करना है उसी स्टार नोजल से जिससे हमने बाकी की बॉडी बनाई है। बच्चों को ये केक बहुत पसंद आता है। आप चाहें तो कार, डोरीमोन या किसी और शेप्स का या किसी और कार्टून कैरेक्टर का केक भी इसी तरीके से बना सकते हैं। मैं जल्दी एक वीडियो डालूंगी डोरीमोन की शेप का केक, आप उसको भी देखिएगा। अब मैं आगे के हिस्से को भी फिल कर रही हूँ क्रीम से वाइट। दोस्तों ये केक बहुत जल्दी झटपट बन जाता है क्योंकि क्रीम अगर हमारे पास अवेलेबल हो घर में और ब्रेड हो तो हम कभी भी ये केक तुरंत अपने बच्चों के लिए बना सकते हैं। तो लीजिए, अब हमारी कार कुछ इस तरीके से दिखने लग गई है। अब हम इसकी थोड़ी सी डिटेलिंग करेंगे। उसके लिए मैंने डार्क चॉकलेट को मेल्ट किया है 2 चम्मच दूध के साथ और उसे मेल्ट करके कोन में भर लिया है। इससे मैं इसकी आइस बना दूंगी, साथ ही इसकी विंडोज की बाउंड्री कर दूंगी ताकि ये और अच्छी लगे और ब्राइट लगे हमें। इस आइस को मैं ब्लू कलर की क्रीम से थोड़ा कवर कर दूंगी, वहीं येलो क्रीम के साथ इसके टायरों पे थोड़ी डिटेलिंग कर दूंगी जैसी मैकक्वीन कार पर होती है, और एक लाइटनिंग वाला मार्क दे दूंगी इसको।
आप चाहें तो तरह तरह के डिजाइन दे सकते हैं। इसी येलो कलर की क्रीम से मैं इसकी लाइट की डिटेलिंग भी कर दूंगी। आगे और पीछे दोनों तरफ। तो लगभग अब हमारी कार रेडी हो चुकी है। मैंने यहाँ पर ग्रीन क्रीम को ग्रास वाले नोजल डालकर रेडी किया है और इसमें थोड़ा सा साइड में ग्रास का टेक्सचर दूंगी। आप चाहें तो कोई और डिजाइन दे सकते हैं अपनी इमेजिनेशन के साथ। मैंने यहाँ पर 95 का एक निशान दिया है इसके ऊपर टॉप मोस्ट पर। तो आपकी कार केक एकदम रेडी हो चुकी है। आप इस कार केक को एक बार घर में जरूर बनाइएगा। बच्चों को ये कार केक बहुत पसंद आता है, स्पेशली बॉयज को। तो मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मैं फिर मिलूंगी आप सभी से एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।